जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यही राय थी कि सभी खिलाड़ी अगर अपना 100% देंगे तो उम्मीदें जाग जाएंगी कि मेडल आके ही रहेगा भारत देश में। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही अविनाश सावले ने किया, अपना 100% दिया, अपने सबसे बेस्ट स्कोर दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों मेडल से चूक गया। आप सभी को बता दें कि टोक्यो ओलंपिक की 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में भारत के अविनाश सावले ने हार कर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 26 साल के अविनाश सावले ने स्टीपल चेज प्रतियोगिता में नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने ओलंपिक में अपने स्टीपल चेज के दूसरे हीट में 8.18.12 समय में पूरा किया और खुद के फेडरेशन के कप में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हालांकि वे फाइनल में जगह नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने नेशनल लेवल पर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक की 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में 3 हीट थे। इस हीट में टॉप 6 खिलाड़ियों के फाइनल में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन सावले ने प्रतियोगिता में अच्छी शुरुआत की और पहले हीट में वे 6ठे स्थान पर रहे, लेकिन दूसरे हीट में वे 7वें नंबर पर रहे। क्वालिफाइंग हीट में भी वे 7वें पायदान पर रहे और फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। आपको बता दें कि सावले नेशनल रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। दिल्ली हाफ मैराथन में वे ये रेस आधे घंटे में पूरी की और हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अविनाश सावले एक भारतीय एथलीट हैं। वे ट्रैक और फील्ड खेल का खेल खेलते हैं। वे महाराष्ट्र के मंडावा गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 13 सितंबर 1994 को किसानों के परिवार में हुआ था। गांव में गाड़ियों की सुविधा ना होने के कारण वे घर से स्कूल दौड़कर ही जाया करते थे। उनके घर से लेकर स्कूल तक की दूरी 6 किलोमीटर तक थी। 12 पास करने के बाद सावले भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। आप सभी को बता दें कि सावले ने 2018 एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था, लेकिन टखने में चोट लगने के कारण वे इस खेल में सफल नहीं रहे। इसके बाद सावले ने 2018 में भुवनेश्वर आयोजित राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इस खेल को 8.29 8.80 समय पूरा कर गोपाल सैनी के द्वारा बनाए गए 8.30 8.88 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों यही बात है कि इन्होंने ओलंपिक में अपना 100% दिया, सबसे बेस्ट दिया। अब वो बात अलग है दोस्तों कि यहाँ पर वो नहीं जीत पाए, यही दिक्कत की बात रही कि वो जीत नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कोशिश उनकी पूरी थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। नमस्कार।